दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फसल के ऊपर एक ऐसा शत्रु कीट के बारे में, जिस शत्रु कीट को अगर आप लोग देखते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो नुकसान पहुंचाता है वो इतना हेवी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि ये इस कीट का प्रकोप हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सफेद मक्खी यानी कि जिसको व्हाइट फ्लाई बोला जाता है। तो सफेद मक्खी एक बहुत ही खतरनाक रस चूसक कीट है, जो कि इसका प्रकोप लगभग सभी फसल पर होता है, लेकिन कुछ स्पेशली फसल पर ज्यादा होता है। लेकिन ये जो कीट है ये इतना खतरनाक होता है कि ये जनरली जो हम लोग इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो वो उसमें कंट्रोल नहीं होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे काम के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तब जाके वो कंट्रोल होता है। तो आज की वीडियो में हम सफेद मक्खी के बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे, सफेद मक्खी क्या होता है, सफेद मक्खी का क्या लाइफ साइकिल होता है यानी कि इसका जीवन चक्र क्या होता है, उसके अलावा कैसे ये नुकसान पहुंचाता है, कब इसका ज्यादा प्रकोप होता है, कैसे हम लोग उसको प्रिवेंटिव तरीके से रोक सकते हैं, या फिर अगर एक बार प्रकोप हो गया तो उसको हम लोग 100% कौन सी दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे डिटेल्स में आज हम सफेद मक्खी के बारे में ही जानेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सफेद मक्खी क्या होता है। तो सफेद मक्खी यानी जिसको व्हाइट फ्लाई बोला जाता है वो एक खतरनाक रस चूसक कीट है, जो कि पत्तियों के निचली सतह पर रहता है और पत्ते का क्लोरोफिल को चूसते रहता है। लेकिन आप लोग एक चीज सुन के हैरान हो जाएंगे कि सफेद मक्खी पौधे का सिर्फ 20% ही नुकसान पहुंचाता है, बाकी जो 80% नुकसान पहुंचाता है वो होता है उसका नीम। तो नीम क्या होता है उसको जानने के लिए हमें सफेद मक्खी का लाइफ साइकिल के बारे में पहले जानना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं सफेद मक्खी का लाइफ साइकिल के बारे में। तो सफेद मक्खी का लाइफ साइकिल की बात किया जाए तो सफेद मक्खी का 4 स्टेज होता है। सबसे पहले एग होता है यानी जिसको अंडा बोला जाता है, उसके बाद जो लार्वा होता है यानी कि जिसको निम्फ भी बोला जाता है, और उसके बाद उसका प्यूपा होता है, और उसके बाद फिर से वहीं से आपका सफेद मक्खी तैयार होता है। तो ये 4 स्टेज होता है सफेद मक्खी का। लेकिन ये जो सफेद मक्खी है ये एक बार में लगभग 100 से 150 अंडे देता है, और उस अंडे से पहले निम्फ होता है, और वही जो निम्फ होता है वो 80% तक नुकसान पहुंचाता है पौधे को। तो ये जो निम्फ होता है इसको अगर आप लोग खाली आंख में देखना चाहते हैं तो वो खाली आंख में नहीं दिखाई देता है, उसको देखने के लिए लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाके इसको दिखाई देता है। और ये नीम जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जनरली जो इंसेक्टिसाइड होता है उसको हम लोग जो स्प्रे करते हैं तो वो उतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है, और जो इसका 4 स्टेज होता है वो एक साथ में अगर आप लोगों को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करेंगे वो हम आगे जाके आप लोगों को बता रहे हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं कि सफेद मक्खी क्या क्या नुकसान पहुंचाता है फसल के ऊपर। तो देखिए सफेद मक्खी तो 20% ही नुकसान को पहुंचाता है पौधे के ऊपर, ये तो हम बार बार आपको बता रहे हैं। जो 80% नुकसान पहुंचाता है वो होता है नीम। लेकिन किसान भाई जो गलती करता है व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग दवा को छिड़काव करते हैं, और उसके ऊपर वो सक्सेस भी हो जाता है, सफेद मक्खी कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी किसान भाई का पौधे खराब क्यों होता है, क्योंकि वो नीम जो है 80% नुकसान पहुंचाता है। तो क्या हम वो 20% को कंट्रोल करने के लिए 100% खर्चा क्यों करेंगे? उसके लिए हम ऐसा दवा को छिड़काव करेंगे ताकि हमारा जो नीम्फ है या फिर जो सफेद मक्खी है वो दोनों अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाए, तब जाके अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हाँ एक चीज आपको बता रहे हैं, नीम्फ जो है वो पत्ते की निचली सतह पर रहता है और वो पत्ते का क्लोरोफिल को चूसते रहता है, लेकिन कुछ ज्यादा मात्रा में जब पत्ते का रस को चूस लेता है तब धीरे धीरे वो पौधा येलो मोजाइक वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको YMB वायरस भी बोला जाता है। और ये जो YMB वायरस होता है ये सबसे ज्यादा भिंडी की खेती में, बरबटी की खेती में या फिर बीन्स की खेती में देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम सफेद मक्खी को अपनी फसल पर प्रकोपी ना होने दे, तो इसके लिए आप लोगों को 2 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना पड़ेगा जहां पर आप फसल लगा हुआ है तो वहां पे आप लोगों को 1 एकड़ की प्लॉट में, अगर आपका 1 एकड़ का प्लॉट है तो उसमें आप 6 येलो स्टिक लगाना है और 6 ब्लू स्टिक लगाना है। और हाँ अगर आप लोग इसको ऑर्गेनिक तरीके से प्रिवेंटिव दवा छिड़काव करना चाहते हैं तो आप लोग नीम ऑयल को 5 ml प्रति लीटर पानी में भी मिला करके छिड़काव कर सकते हैं 3 से 4 दिन अंतराल पे, तब जाके उसमें व्हाइट फ्लाई का प्रकोप ही नहीं होगा। और अगर आप लोग रासायनिक यानी कि केमिकल दवा को छिड़काव करना चाहते हैं तो प्रिवेंटिव में उतना ज्यादा हैवी मात्रा का दवा को छिड़काव करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप लोग एसीटामिप्रिड या फिर थाइमेथोक्सेन इस प्रकार की जो दवा मिलता है उसको आप लोग छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपका फसल पर व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होगा ही नहीं। फिर भी ये सब काम करने के बाद भी अगर आपका व्हाइट फ्लाई का प्रकोप हो गया तब जाके हम लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे और 100% तक उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे मार्केट में अलग अलग दवा मिलता है, लेकिन एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं
कि सफेद मक्खी को अगर आप लोगों को कंट्रोल करना है या फिर उसका जो चारों स्टेज होता है उसका लाइफ साइकिल का चारों स्टेज को एक साथ में कंट्रोल करना है, तो सिर्फ सिंगली एक ही केमिकल आपका नहीं कंट्रोल कर पाएगा। उसके लिए आप लोगों को दो तीन केमिकल को एक साथ में मिक्स करके छिड़काव करना है। जैसे कि बाजार में सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे दवाएं अभी मार्केट में आ गया है। सबसे पहले तो आ गया जैसे कि टकाप नाम पे आदामा कंपनी का, उसमें आपको डाइफेनथ्यूरोन और बाइफेनथ्यूरोन का कॉम्बिनेशन मिलता है। 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप लोग सफेद मक्खी को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि रिपीट दवा को आप लोगों को स्प्रे करना है लगभग 6 से 7 दिन अंतराल पर। फिर से आप लोग अगर कोई भी दवा को लेना चाहते हैं तो मोमेंटो एनर्जी है बायर का, वो भी एक बहुत ही अच्छा है सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए। उसमें आपको स्पायरो टेट्रामाइट और इमिडा क्लोरोफिट का कॉम्बिनेशन मिलता है, उसको भी ले सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी में। या फिर अगर आप लोग GSP कंपनी का जो SLR 525 है उसको भी ले सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी में। उसमें आपको पायरीफॉक्सीपेन और डाइफेनथ्यूरोन का कॉम्बिनेशन मिलता है, ये भी एक व्हाइट फ्लाई के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा दवा है। और अगर आप लोग और भी किसी भी दवा को छिड़काव करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, मेरा रिकमेंड ये भी दवा है, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाइट फ्लाई को 100% तक कंट्रोल कर देता है। और हाँ, एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो हमने दवा बताया, इस दवा में जो टेक्निकल बताया, इस टेक्निकल का अगर आप लोगों को कोई भी दवा मिल रहा है बाजार में तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ब्रांड जो है वो अच्छा ब्रांड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी लोकल कंपनी का एक दवा को, सेम टेक्निकल का दवा को छिड़काव कर दे रहे और भाई आप बोल रहे हैं कि इस दवा को छिड़काव कर दिया फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा ब्रांड का अगर लेते हैं तो जरूर वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही व्हाइट फ्लाई के बारे में। फिर भी अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है व्हाइट फ्लाई के बारे में तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।